नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा का आठवां रूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता अपने भक्तों के भीतर पल रही बुराइयों को मिटाकर उनके भीतर सद्बुद्धि व ज्ञान की ज्योति जलाती हैं। माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके भीतर श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा की भावना बढ़ती है। माता महागौरी माँ दुर्गा की अष्टम शक्ति है, जिसकी आराधना करने से भक्तों को जीवन की सही राह का ज्ञान होता है और जिस पर चलकर लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो भी साधक नवरात्रि में माता के इस रूप की आराधना करते हैं, माँ उनके समस्त पापों का नाश करती है। अष्टमी के दिन व्रत रहकर माँ की पूजा करते हैं और उसे भोग लगाकर माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इससे व्यक्ति के अंदर सारे दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना से साधक के समस्त पापों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माँ ने बहुत कठिन तपस्या की थी। माँ महागौरी की उत्पत्ति के समय इनकी आयु 8 वर्ष की थी। इसी कारण से माता का पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है। माँ अपने सभी भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। अष्टमी के ही दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। माँ महागौरी धन, वैभव तथा सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। महागौरी मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमतशै 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 नमो नमः। आप सभी का स्वागत है, मैं हूं आप सभी के साथ आशीष तिवारी। दर्शकों, जय पारस चैनल के खास कार्यक्रम नौ दिन नवरात्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दर्शकों, आज नवरात्रि का आठवां दिन है, अष्टमी विशेष माना जाता है और इस श्रृंखला में, नवरात्र की श्रृंखला में, पहले दिन से आपको इस कार्यक्रम के तहत बहुत सारी जानकारियां माँ की पूजा अर्चना को लेकर के कर रहे हैं और हर बार की तरह आज भी हमारे साथ विशेष पंडित रमन शर्मा जी हैं। पंडित जी प्रकांड विद्वान है, अगर वैसे बात की जाए तो पद्धति की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूजा पद्धति को बताते हैं और आप श्रद्धालुओं तक ये जानकारी पहुंचाते हैं कि किस तरीके से माँ के साथ अर्चना की जाती है, माँ को पूजा जाता है और क्या कुछ विशेष है। आज अष्टमी के तौर पर आपका बहुत बहुत स्वागत करूंगा अपने स्टूडियो में। कैसे हैं पंडित जी? जय माता दी, जय माता दी। कल्याणी कल्याण करो, वरदानी दो वरदान, महागौरी रक्षा करे तीन लोक में आज। आज महागौरी अष्टमी तिथि, आप सभी को महागौरी माता के आगमन की और दुर्गा स्वरूप आठवें स्वरूप की, दुर्गा माता के आठवें स्वरूप की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। माता कन्या रूप में आज आपके घर आएं और सभी प्रकार के रोगों को दूर करें, सुख सौभाग्य में वृद्धि करें, यही माता महागौरी से मेरी हाथ जोड़कर विनम्र प्रार्थना है। जय माता दी। गुरु जी, आपने स्वरूप की बात की, माँ के प्रतिरूप की बात की, तो हम सबसे पहला यही जानने की कोशिश करेंगे कि माँ के स्वरूप की अगर हम बात करें तो क्या कुछ हमारे दर्शकों को बताएंगे आप? माता का अगर मैं स्वरूप का वर्णन करूं तो माता भगवान शंकर की भांति ही बैल पर सवार है, बैल यानी वृषभ पर सवार है। जिस प्रकार भगवान शंकर बैल पर सवार होते हैं, उसी प्रकार माता महागौरी भी बैल पर सवार है। माँ ने श्वेत रंग के यानी सफेद रंग के वस्त्र पहन रखे हैं, माँ के सर पर मुकुट सुशोभित है और गले में नाना प्रकार के आभूषण हैं और साथ ही रुद्राक्ष की माला भी है। माँ के चार हाथ हैं, जो है त्रिशूल, साथ ही माता के हाथ में कमंडल और वर मुद्रा में और रुद्राक्ष की माला लिए माँ हल्की सी गर्दन को टेढ़ी करती हुई अपने भक्तों की ओर मुस्कुरा रही हैं। यहाँ तक कि माता की मैं क्या अपने मुख से जो वर्णन करूँ, शायद माँ शारदा जो सुरों की देवी हैं और माँ शब्दों को एक एक परख कर लिखती हैं, माँ शारदा यानी और कामदेव भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते। माँ इतनी सौम्य और इतनी सुंदर प्रतीत होती हैं, ऐसी भगवती आठवीं दुर्गा माँ महागौरी के चरणों में मेरा एक नहीं दो बार नहीं बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि प्रणाम है। गुरुजी, एक चीज और भी ये जानना चाहते हैं कि माँ के स्वरूप की तो बात हो गई, हमारे दर्शकों तक ये जानकारी पहुंच गई कि माँ के स्वरूप का वर्णन किस तरीके से है और क्या कुछ विशेष है, इन सब के साथ अगर ये जानना चाहें कि माँ का जो अगर नवदुर्गा के रूप में बात करें तो आठवां नंबर क्यों आता है?
देखिए माँ का आठवां नंबर क्यों आता है, वैसे तो सारे ही नंबर माँ के प्रतीक हैं, पहला कह लो, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, सातवां, आठवां, नौवां, सारे ही माँ के प्रतीक हैं, एक से लेकर नौ सारे, पर आठवां शक्ति जो आठवीं शक्ति जो है वो माता महागौरी की आठवीं शक्ति ही क्यों आई है? जी देखिए इसके पीछे एक कथा है माता महागौरी की जो मैं आपको बताना चाहूंगा। आज से कई वर्षों पूर्व जब भगवान शंकर को माता पार्वती ने प्राप्त करने के लिए 8000 वर्ष तक तप किया, यानी 8000 वर्ष तक माता ने तप किया है, जिसमें माता ने अग्नि में भी तप करा है, जल में भी तप करा है, वायु में भी तप करा है, यानी हर ऋतुओं में तप करने के बाद भी मां नहीं उठी। भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए उन्होंने अपना तप को प्रारंभ रखा, ऐसे बीतते बीतते 8000 वर्ष हो गए। 8000 वर्ष बाद जब भगवान ब्रह्मा जी ने, यानी ब्रह्मदेव ने माता जो पार्वती को यह कहा कि जैसा तप आपने किया है भवानी, ऐसा तप आज तक किसी ने नहीं किया, और इस तप को आज के बाद कोई करेगा भी नहीं, क्योंकि ये ऐसा तप आपने कर दिया है, और मैं आपके इस तप से प्रसन्न होकर आपको यह वरदान देता हूं कि जिस मनोरथ के प्रति आपने यह तप किया है वह आपका तप पूर्ण हो और आपको आपका मनवांछित फल मिले। जब माता ने अपने तप को फिर जो है चालू रखा और 8000 वर्ष बाद जब भगवान आशुतोष नीलकंठ महादेव साक्षात माँ के आगे खड़े होते हैं, तो भगवान माता से कहते हैं, यानी पार्वती माँ से कहते हैं कि मैं तुम पर प्रसन्न हूं, बोलो तुम क्या चाहती हो और क्या वर मांगना चाहती हो। तब माता उनको हाथ जोड़कर नमस्कार करती हैं और उनसे कुछ नहीं बोलती, माँ के आंसू भगवान शंकर के चरणों पर गिरते हैं। भगवान शंकर और प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे देवी मैं तुम्हारे इस संकल्प को देखकर अत्यंत प्रसन्न हूँ, बोलो क्या वर मांगना चाहती हूँ, क्या तुम्हारे मन में इच्छा है। माता कहती हैं, आप तो देवादिदेव हैं, आपसे भला क्या छिपा है, आप तो मन के भीतर को जानने वाले हैं, आप मेरी इच्छा को भलीभांति जानते हैं। मैं इस जगत के, इस संसार में अपनी इच्छा को इसलिए व्यक्त नहीं कर रही हूं क्योंकि मेरी इच्छा को आप जानते हैं। भगवान शंकर कहते हैं, मैं पहचानता नहीं, तुम्हें बहुत अच्छे से समझता हूं पार्वती कि तुम मुझको अपने पति रूप में पाना चाहती हो, मैं तुमको यह वरदान देता हूं कि मैं तुमको अवश्य पति रूप में प्राप्त होऊंगा। जब ऐसा वरदान भगवान शंकर पार्वती जी को कहते हैं, देते हैं, तो माता पार्वती जी मूर्छित हो जाती हैं, बेहोश हो जाती हैं, और इतने वर्ष की तपस्या करने के बाद माँ का शरीर काला पड़ जाता है, क्योंकि 8000 वर्ष बहुत होते हैं, बहुत होते हैं। जब माँ का शरीर काला पड़ जाता है और पूर्णतः काली हो जाती हैं और वहां पर मूर्छित यानी बेहोश हो जाती हैं, तब भगवान शंकर प्रसन्न होते हैं और अपनी जटाओं को खोलते हैं। जब जटाओं में बैठी भगवती गंगा जो उनके शीश पर विराजमान हैं वो बाहर निकलती हैं, तो माँ का अभिषेक होता है। माँ पार्वती के ऊपर जब गिरती हैं तो भगवान शंकर उनको हाथ से मल मल कर स्नान कराते हैं। जब भगवती गंगा के से उनका अभिषेक होता है, भगवान शंकर उनको मल मल कर धो रहे हैं, तो माँ इस प्रकार चमकती हैं कि करोड़ों चंद्रमा भी अपने ऊपर लज्जित हों, इतनी चांदनी बखेरती हैं। साक्षात कामदेव भी उनके स्वरूप का वर्णन नहीं कर सकते, इतनी गौर वर्ण की यानी गोरी हो जाती हैं। जब इस प्रकार की चांदनी और गौर वर्ण की भगवती हो जाती हैं, तो आकाश से सभी देवी देवता पुष्प वर्षा करते हुए बोलो महागौरी माते की जय। जब सभी देवी देवताओं ने इस प्रकार जय घोष किया तो माता को महागौरी नाम मिल गया। नाम के अर्थ को समझे, महागौरी यानी जो गौर वर्ण की देवी हैं, महागौरी, क्योंकि माता का स्वरूप इतना निखर गया, तब माता को इस प्रकार महागौरी नाम मिला, क्योंकि माँ ने 8000 वर्ष तक तप किया, इसीलिए माँ को आठवां यानी आठवां स्वरूप माता महागौरी का कहलाया है। 8000 वर्ष तप करने के लिए बाद माँ का नाम जो है आठवां स्वरूप जो है माता महागौरी का कहलाया, यानी आठवां दिन। अब माता महागौरी ने 8 वर्ष की उम्र से, यानी जब माँ 8 वर्ष की थी, तब ही से लेकर भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए जो पूजन किया है, तो माँ ने जो तपस्या 8000 वर्ष तक करी वो 8 वर्ष की आयु में करी है। इसीलिए आज के दिन, या जिनके नवमी पूजती है, नवमी के दिन भी 8 वर्ष की कन्या साक्षात महागौरी का स्वरूप है।
यदि आपको 8 वर्ष की कन्या मिलती, वैसे तो सभी वर्ष की कन्याएं पूज्य हैं, परंतु यदि 8 वर्ष की कन्या आपको मिलती है तो आपके सौभाग्य है, आप पर भगवती की कृपा है कि वो साक्षात आपके घर में विराजमान हो गई है। आप 8 वर्ष की कन्या को नतमस्तक होकर प्रणाम करें, उसको पूजन करें, तो इस प्रकार माँ का 8वां स्वरूप आज जो है आज का दिन मिला है और माँ की यह कथा है जो मैंने आपको बताई है। पंडित जी, माँ की अगर उपासना और मंत्रोच्चार की बात तो हम लोगों ने कर ली, लेकिन अगर इसके बीच में हम ये पूछे कि माँ को भोग क्या लगाया जाए, क्या कुछ विशेष होता है, उसके बारे में दर्शकों को क्या कुछ बताएंगे? देखिये, माँ का नाम है महागौरी। जिस प्रकार माँ गौर वर्ण की है, उसी प्रकार सभी फलों के अंदर एक जो है सबसे ज्यादा माँ को प्रिय है गोदागिरी का प्रसाद, यानी नारियल का प्रसाद, जिसे कोई पशु पक्षी भी छूटा नहीं कर सकता। आप नारियल को तोड़ते हैं तो कैसा रंग होता है उसका? बिल्कुल सफेद, गौर वर्ण का होता है, होता नहीं होता। और क्योंकि भगवान शंकर ने गंगा जल से माँ का अभिषेक किया है, उसके अंदर जल निकलता है वह गंगा जल से कम नहीं है, तो माँ को गोलागिरी का जो प्रसाद है, यानी गोले का जो भोग है, वो बहुत प्रिय है। उस भोग को स्वीकार करते ही माता सभी प्रकार की इच्छाओं को पूर्ण करती है। और गोला तो माँ को भेंट भी चढ़ाया जाता है, क्योंकि ध्यानु भगत ने, जो माँ का भगत थे ध्यानु भगत, उन्होंने अपना शीश माँ को काट कर चढ़ाया था और भगवती से ये प्रार्थना भी करी थी कि हे माँ जगदम्बा, आने वाले कलयुग के अंदर कोई भी भक्त आपको शीश की भेंट नहीं देगा, जो भी आपके भक्तजन होंगे वो आपको शीश की भेंट नहीं दे पाएंगे, क्योंकि यह बहुत ही कठिन कार्य है। हे माँ भगवती, यदि आप मुझे कुछ देना ही चाहती हैं मेरे शीश के बदले में, तो सिर्फ मुझे इतना दीजिए कि कुछ ऐसा कर दीजिए कि आप शीश की भेंट से प्रसन्न हो जाएं, कुछ भक्तजन ऐसी आपको चीज चढ़ाएं कि आप उसे शीश की भेंट समझ कर स्वीकार करें। जब माँ मन ही मन सिंह पर बैठी मुस्कुराती है तो कहती है कि ध्यानु, तेरी बातों से और तेरे शब्दों को सुनकर मेरे हृदय के अंदर जो भाव उत्पन्न हुए हैं, मैं उनसे बड़ी प्रसन्न हूँ कि पांव पलक में शीश लगाया। माता भगवती ने पलक झपकते ही ध्यानु भगत का शीश उठाकर उसके धड़ पर रख दिया और भक्त जन जय जयकार करने लगे। माँ ने तभी नारियल की उत्पत्ति करी। नारियल जो है उसके ऊपर जो जटा होती है वो बालों के समान है, जिस प्रकार हमारे शीश के ऊपर बाल होते हैं होते वो बालों के समान है। उस प्रकार जब हम उसे, उसका रंग देखा आपने, जब हम उसे जो उसकी जटा को हटा लेते हैं तो मेहरून से रंग का, यानी जैसा हमारा त्वचा का रंग है ऐसा रंग होता है। फिर जब हम उसे तोड़ते हैं तो आप देखते होंगे आंख नाक मुंह किस प्रकार बने हुए होते हैं, बने होते नहीं होते। फिर जब हम उसे तोड़ते हैं तो वो सफेद रंग की गिरी और उसके अंदर जल निकलती है। जल हम एक प्रकार से कह सकते हैं कि रक्त भी, हमारे शरीर के अंदर जो रक्त है वो उस जल को रक्त भी कहा जाता है, क्योंकि वह रक्त के समान है। तो जो नारियल है, माने वो संपूर्ण मनुष्य की एक प्रवृत्ति को देखते हुए एक भेंट बना दी है कि जो भी मेरे को इस नारियल की भेंट चढ़ाएगा, कि पान सुपारी ध्वजा नारियल ले ज्वाला तेरी भेंट धरे, पान सुपारी ध्वजा नारियल, उस नारियल को जो मेरी भेंट चढ़ाएगा मैं उसको शीश की भेंट समझकर स्वीकार करूंगी, ये माँ ने वरदान दिया है। और गोलागिरी का प्रसाद माता महागौरी को बहुत प्रसन्न है, बहुत प्रिय है। तो दर्शकों, आपने देखा कि किस तरीके से माँ की पूजा की जानी चाहिए, और माँ को अगर पूजा के बाद श्रृंगार की बात हुई, श्रृंगार के साथ साथ गुरुजी ने यह भी बताया कि माँ के भोग को क्या कुछ विशेष हो चढ़ाया जाता है, उसकी चर्चा हुई। इसके साथ साथ अगर अष्टमी की बात करें तो गुरुजी, कई बार हमने ये भी सुन रखा कि अष्टमी की पूजा विशेष मानी जाती है। इस विशेष पूजा के साथ साथ ये भी कहा जाता है कि जैसे अभी हमने शुरू में चर्चा की कि कन्या को भी भोग लगाया जाता है, कन्या को भी भोग कराया जाता है, तो इसके पीछे का असली मर्म क्या है? देखिए, कन्या माँ को पूजा ही कन्या रूप के अंदर जाता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि नव दुर्गा से पूर्ण, यानी जब माँ वैष्णो पृथ्वी पर आई थी, जिनका नाम त्रिकुटा है, और वो भगवान राम को पति रूप में प्राप्त करने के लिए वो जो है तप कर रही थी, तब माँ कवारी थी और आज भी माँ कवारी है, क्योंकि मैंने आपको बताया कलयुग में भगवान ने कल्कि अवतार लेना है और माँ का उनसे विवाह होना है, तो माँ कवारी है, इसीलिए कवारी कन्याओं के रूप में पूजी जाती है।
कवारी कन्या यानी जो छोटी छोटी कन्या जो माँ का स्वरूप होती है उनके उनमें हम माँ की छवि को देखते हैं और उन माँ का पूजन करते हैं, यानी कन्याओं को हम पूजन कर, कन्या जितनी भी कन्या है सभी माँ की हम उसके अंदर माँ की छवि, कन्या से बढ़कर कुछ नहीं है जी। कहते ना आप भागवत करो, कीर्तन करो, जागरण करो, माँ की चौकी करो और कितने भी आप धार्मिक अनुष्ठान करो, या यहाँ तक कि आपके आने वाले पितृ पक्ष भी हो, तो हम ये कहते हैं ना कि भाई कन्या का भोग निकाल दीजिए, कन्या, क्योंकि कन्या पूजनीय है, कन्या से बढ़कर और कुछ नहीं है। जिस घर के अंदर कन्याओं का जन्म होता है वो घर किस्मत वाले होते हैं कि उस पिता को कन्यादान का फल प्राप्त होता है, इसीलिए कन्याओं का पूजन हमें जरूर करना चाहिए और कन्याओं के अंदर माँ की छवि को देखना चाहिए। अब कन्या पूजन कैसे करना है, ये नहीं कि आपने आठ ही कन्या बैठा है, नौ कन्या बैठा है, आपके यहाँ पर दसवीं ग्यारहवीं कन्या आ जाती है तो आप उसे मना कर दो भाई आप द्वार से ही चली जाइए, नहीं। ऐसा चलन भी है गुरु जी कि ज्यादातर ये लोग कहते हैं कि अगर नौ दिन का नवरात्र है तो उसमें नौ कन्या हो, लेकिन दर्शकों गुरु जी कुछ आज नई चीज बताने जा रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए नौ कन्याएं मिल जाती हैं ये अच्छी बात है, परंतु अगर आपके दरवाजे पर दो चार पांच कन्या फालतू भी आ जाती हैं तो आप ये नहीं कि उन्हें दरवाजे से लौटा दें। माँ तो अनंत है, 51 शक्तिपीठ है माँ की, 51 शक्तिपीठ है और ना जाने कितनी जगह पर माँ विद्यमान है, कितनी जगह पर मौजूद है, आप उन्हें अपने द्वार से मत लौटाइए, आप उनका भी पूजन करिए। सर्वप्रथम उनके चरणों को आप धोइए और उनके चरणों को धोने के बाद में जो जल जो उस पात्र के अंदर रह गया है उससे अपने शरीर पर छींटा लगा लें, आपका शरीर जो है वो स्वच्छ होगा और आपके शरीर में ऊर्जा प्राप्त होगी। तत्पश्चात हाथ को धोकर माता के मस्तक पर रोली का तिलक करें, उनके मस्तक पर चावल लगाएं, हाथ में मौली को बांधें और मन में पूर्ण श्रद्धा रखें। हो सके तो माँ को चुन्नी अर्पित करें, यानी चुन्नी जो कि आप बाजार से मिलते हैं आप उसको लेकर माता को जो है उन कन्याओं को पहनाएं और साथ ही हाथ जोड़कर मनी मन में जय माता दी के जयकारों का उद्घोष करते रहें। जो आपने भोग तैयार किया है यानी जो हलवा चने पूरी का जो भोग बनाया है, माँ की पूजा अर्चना करने के बाद माँ का भोग लगाने के बाद उन्हें आप कन्याओं को दें और साथ ही जो गोले का जो प्रसाद है यानी जो जो आपने नारियल को तोड़ा है वो प्रसाद उन्हें अवश्य खिलाएं। हर कन्या से ये जरूर कहें कि आप थोड़ा सा ही सही पर भोग को खा लें। जब वो कन्या उस भोग को खाएगी तो माँ साक्षात उसे बैठकर खा रही हैं। अपने घर में जोर जोर से माँ के नाम के जयकारे लगाएं और जब आप कन्या के दोनों हाथों से पैर छुएं तो एक बात ध्यान रखें कि कन्या आपके सर पर हाथ रखे, ऐसा बोले उनसे कि माँ हमारे सर पर हाथ धरो, हमें आशीर्वाद दो कि हमारा जितने भी कष्ट हैं वो दूर हो, हमारे घर में दिन दोगुनी रात चौगुनी हो, माँ हम पर अपनी कृपा करो। वो माँ कन्या आपके सर पर हाथ रखेगी तो आपके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। यदि आप वाहित है तो जोड़े के साथ माँ के चरणों को छुइए और ये नहीं कि आप उन कन्याओं को छोड़ दिया वो चली जाएंगी, उन्हें अपने द्वार तक छोड़ कर आइए, क्योंकि यदि आपके घर में कोई मेहमान आता है तो ऐसे थोड़ी होता है कि भाई आप अपने घर के अंदर बैठे हुए हैं और वो मेहमान जाता है तो चला जाता है, नहीं, पूर्ण सम्मान के साथ आदर भाव के साथ लाना है और उसी प्रकार उनको विदा भी करना है, उनको विदा भी करना है। इसी प्रकार की भावना जिस प्रकार आप अपने मेहमानों के प्रति रखते हैं वैसी ही भावना और अच्छी भावना आप देवी की जो देवी के प्रति रखें, उनके कन्या स्वरूप के प्रति रखें और माँ से यही प्रार्थना करें कि माँ आप मेरे सभी मनोरथ को पूर्ण करें, आज जो नौ दिनों का मैंने जो कार्य संपन्न किया है, आपका जो व्रत मैंने संपन्न किया है, उस व्रत का आप मुझे जो भी मेरे मन में इच्छा है, जो भी आप मनोकामना मांग रहे हैं कि उसको माँ पूर्ण करें। माँ नव दुर्गा की अवतार को समझ करके जैसे आपने गुरुजी कहा कि अगर वो कन्या को आप माँ के साक्षात स्वरूप का अगर स्मरण करेंगे तो आपको जरूर से जरूर ऐसा महसूस होगा और माँ जरूर कल्याण करेंगी। गुरुजी जब बात आती है महागौरी की तो एक स्वरूप साक्षात उत्पन्न होने लगता है कि महागौरी यानी महादेव के साथ, और इस नौ दिन के नवरात्र में अगर माँ गौरी में किस तरीके से महादेव की उपासना की जाए जिससे फल की प्राप्ति की अगर बात की जाए तो क्या कुछ विशेष हो सकता है और इस नवरात्र के साथ साथ महादेव की भी कृपा हो जाएगी। तो हमारे कुछ दर्शक हैं जैसा कि भक्त होते हैं महादेव के, कोई भक्त हैं, कोई आदिशक्ति के भक्त हैं, तो इस नवरात्र के अवसर पर कैसे पूजा करें कि महादेव की विशेष कृपा हो और माँ जगत जननी जगदम्बा की भी उन पर कृपा बरसे। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न आपने जो मेरे से पूछा है। महादेव की यदि आप पूजा करते हैं, भगवान शंकर की पूजा करते हैं, तो आपने भगवती का नाम अवश्य लेना है क्योंकि साक्षात अर्धांगिनी है।
माँ साक्षात अर्धांगिनी है, माँ पार्वती कहो या नवदुर्गा कहो, आप देवी के किसी भी 51 शक्ति पीठ पर चले जाएं, किसी भी 51 शक्ति पीठ पर चले जाएं या जो भी सिद्ध पीठ है वहां चले जाएं, आपको भगवान शंकर वहां अवश्य मिलेंगे। क्योंकि कहते हैं जहां शक्ति का वास है वहां शिव का वास है, बिना शिव के शक्ति शव है, कि एक दूसरे के पूरक है, यानी अर्ध नारीश्वर है, आधे भगवान शंकर हैं, आधी माता पार्वती हैं। आप शिवरात्रि का व्रत करें, 16 सोमवार का व्रत करें, सावन का व्रत करें, या फिर आप भगवती के नवरात्रों का व्रत करें, नव दुर्गा का आवाहन करें, या फिर आप घर के अंदर माँ का जो यज्ञ करें, हवन करें, कुछ भी करें, भगवान शंकर का नाम अवश्य लें, उनका पूजन अवश्य करें, क्योंकि तभी आपकी पूजन विधि संपन्न होगी। क्योंकि भगवान शंकर बिना देवी के अधूरे हैं, और देवी बिना भगवान देवी जो है वो बना भगवान शंकर के बिना अधूरी हैं, और महागौरी तो साक्षात भगवान शिव की अर्धांगिनी है। आप ओम भूर्भुवस्व का मंत्र को पढ़ें, वह नहीं आता है, वैसे तो सभी को आता होगा, भगवान शंकर के महामृत्युंजय मंत्र का भी जाप ज्यादा नहीं तो 11 बार अवश्य करें, 11 नहीं तो 5 बार अवश्य करें। पर आपसे एक विनम्र निवेदन है, यदि आपको महामृत्युंजय मंत्र के शब्द अच्छे से याद ना हो तो आप भगवान शंकर का पंचाक्षरी मंत्र ओम नमः शिवाय ही अवश्य पढ़ें, क्योंकि इस मंत्र के पढ़ने से भगवती प्रसन्न होती हैं। जिस भगवती ने भगवान शंकर को प्राप्त करने के लिए 8000 वर्ष तपस्या कर दी, यदि आप उनके पति का यानी भगवान शंकर देवादिदेव का नाम लेंगे तो सोचिए माँ कितनी प्रसन्न होगी। माँ के साथ पिता भी पूज्य है, इसीलिए भगवान शंकर का पूजन करना है और अवश्य करना चाहिए। भगवान शंकर का हरिद्वार में वास है, और कनखल क्षेत्र जो है वो भगवान शंकर की ससुराल है, और माता महागौरी का वहां निवास है। कहते हैं कि हरिद्वार कनखल के पासा और महागौरी तेरा वहां निवासा। माता महागौरी भगवान शंकर के साथ कनखल कनखल प्रदेश में वास करती हैं, वो माता का स्थान है जी। जब भगवान शंकर के साथ माता हर कदम पर हैं, साथ हैं, अर्ध नारीश्वर हैं, तो आपको भी भगवान शंकर का नाम, भोलेनाथ का नाम अवश्य घर में लेना है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, और हर हर महादेव के नाम से जयकारे लगाएं, माँ अवश्य प्रसन्न होती हैं और खूब मनवांछित वर प्रदान करती हैं। गुरु जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, और हम दर्शकों को ये भी जानकारी दिलवाना चाहेंगे गुरु जी, जिस तरीके से आपने इस आज अष्टमी का जो ये दिन है और जिस तरीके से चारों तरफ माँ महागौरी की पूजा की जा रही है, किस तरीके का विधि विधान हमारे इस कार्यक्रम के तहत आपने जाना, और इस जानकारी के तहत मैं आखिरी में ये भी जानना चाहूंगा कि आज अगर आप परिवार में हैं, आप समाज में हैं, तो किस तरीके से जो आवरण चल रहे हैं, जो माहौल चल रहे हैं, उनके प्रति किस तरीके से प्रार्थना करें जिससे सब कुछ हर जगह संपन्नता रहे और विचारों में परिवर्तन आए। देखिए बहुत ही अच्छा प्रश्न है, आज कन्या पूजन हो रहा है जी। कन्या पूजन से आप ये समझ लीजिए कि आपने 9 दिन की तपस्या को तो आज पूर्ण कर लिया कन्या पूजन कर कर जी। और मंदिरों में जाकर देवी पर चुन्नी भी अर्पित कर दी, पर इसका मतलब ये नहीं कि आपने सिर्फ आज ही के दिन नारी का सम्मान करना है। नारी वो शक्ति है जिसे हर देवी देवता ने स्थान दिया है। किस प्रकार दिया है, आप किसी भी भगवान को देख लीजिए, हर देवी देवता ने, हर भगवान ने सबसे पहले नारी को सम्मान दिया है। भगवान शंकर को देख लीजिए, गौरी शंकर महादेव कहलाए हैं, राधा कृष्ण कहलाए हैं, रिद्धि सिद्धि विनायक कहलाए हैं, सीता राम जी कहलाए हैं, भगवान शंकर हो, पार्वती जो है गणेश जी हो, हनुमान जी हो, यहाँ तक कि हनुमान जी भी अंजनी सुत कहलाए हैं। हर देवता ने स्त्री को अपने से पहले सम्मान दिया है। अब जैसा कि जो भैया जी ने मेरे से पूछा कि संसार के प्रति क्या जो है आप कहना चाहेंगे, आपने संसार के प्रति भाई यही माँ से जो है प्रार्थना करें कि हे भगवती, हमारे अंदर के जो दानव है उसको आप मारना। आज संसार के अंदर जितने भी ये गलत कार्य हो रहे हैं, स्त्री के प्रति हीन भावना हो रही है, गलत जगह मतलब स्त्री का शोषण किया जाता है, हम इस पूजन के साथ साथ अपने अंदर के दानव को मारना है और एक अच्छाई को उत्पन्न करना है। कन्या पूजने के साथ साथ, भगवती को चुन्नी चढ़ाने के साथ साथ, किसी के वस्त्रों को नहीं उतारना है, उसी प्रकार कन्या को वस्त्र पहनाना है, उसी प्रकार महिलाओं का सम्मान करना है, यही माँ के नवरात्र का उद्देश्य है। और इसी के साथ आप सभी भक्तजनों को आज पवित्र पावन शुक्ल पक्ष की दुर्गा अष्टमी की मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आपके खजानों को भरें और सभी प्रकार की आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यह मेरी भगवती से हाथ जोड़कर प्रार्थना। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
जय माता दी। तो दर्शकों, आपने आज अष्टमी का ये पावन पर्व किस तरीके से मनाया जाए और क्या कुछ हमें संकल्प लेना चाहिए, ये माँ की आराधना का ये विशेष पर्व है। और इस चैत्र नवरात्रि में हमारे इस श्रृंखला में आज हम आठवें दिन को अपनी सदगति जो हमारा है, जो हमारा नियम है, हम आज आठवें दिन को संपन्न कर रहे हैं। आप बने रहिए हमारे इस कार्यक्रम के साथ में। जय पारस चैनल का ये विशेष कार्यक्रम चलाया जा रहा है इस पावन अवसर पर, 9 दिन मां नवरात्र के। आज आठवां दिन है, फिर हम अगले दिन यानी नवमी को मिलेंगे। और नवमी किस वजह से मनाई जाती है, क्या कुछ विशेष है, पंडित जी के साथ में जानकारी लेंगे और आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। आज हमें दीजिए इजाजत। जय माता दी। नवरात्रि के आठवें दिन माँ दुर्गा का आठवां रूप माता महागौरी की पूजा की जाती है। माता अपने भक्तों के भीतर पल रही बुराइयों को मिटाकर उनके भीतर सद्बुद्धि व ज्ञान की ज्योति जलाती हैं। माँ महागौरी की आराधना करने से व्यक्ति को आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है और उसके भीतर श्रद्धा, विश्वास और निष्ठा की भावना बढ़ती है। माता महागौरी माँ दुर्गा की अष्टम शक्ति है, जिसकी आराधना करने से भक्तों को जीवन की सही राह का ज्ञान होता है और जिस पर चलकर लोग अपने जीवन को सार्थक बना सकते हैं। जो भी साधक नवरात्रि में माता के इस रूप की आराधना करते हैं, माँ उनके समस्त पापों का नाश करती है। अष्टमी के दिन व्रत रहकर माँ की पूजा करते हैं और उसे भोग लगाकर माँ का प्रसाद ग्रहण करते हैं, इससे व्यक्ति के अंदर सारे दुष्प्रभाव नष्ट हो जाते हैं। नवरात्रि के आठवें दिन माँ महागौरी की आराधना से साधक के समस्त पापों का नाश होता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार गौर वर्ण प्राप्त करने के लिए माँ ने बहुत कठिन तपस्या की थी। माँ महागौरी की उत्पत्ति के समय इनकी आयु 8 वर्ष की थी। इसी कारण से माता का पूजन अष्टमी के दिन किया जाता है। माँ अपने सभी भक्तों के लिए अन्नपूर्णा स्वरूप हैं। अष्टमी के ही दिन कन्याओं के पूजन का विधान है। माँ महागौरी धन, वैभव तथा सुख शांति की अधिष्ठात्री देवी हैं। महागौरी मंत्र। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते।